काउंसलिंग कैसे करें कि गवर्नमेंट कॉलेज मिले। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि देखिए जितने भी कैंडिडेट इस तरीके के हैं कि अपना न्यू रजिस्ट्रेशन किए हैं, मतलब बिना अपना एंट्रेंस एग्जाम दिए हुए आए हैं, और जो लोग एंट्रेंस एग्जाम दिए थे लेकिन अभी तक जिनको छठे राउंड तक कोई कॉलेज नहीं मिला है, वो लोग अपना काउंसलिंग कैसे करें, या आप सभी को एक फर्दर तरीके से एक जिसे एक अच्छे तरीके से आप सभी को कोई एक गवर्नमेंट कॉलेज, कोई एक अच्छा कॉलेज मिल सके जिसमें कि आप सभी लोग सारी चीज़ें जिसमें मैनेज कर सके। तो दोस्तों आपको सारी चीज़ एक एक करके बताना चाहूँगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूँ कि आप लोग देखिए सबसे पहले अपना जो है भाई वेबसाइट है अपना क्रोम ब्राउज़र जिसे ओपन कर लेना है, फिर आप अगर कोई दूसरा ब्राउज़र अगर चलाते हैं तो उसे ओपन कर लेना है। सिंपली आपको यहाँ पर jeecup.nic.in लिखकर वन टाइम क्लिक कर देना। चलिए हम यहाँ पर देखिए उस ऐसा इंटरफेस यहाँ पर क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स आप सभी को आगे कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। आपको यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्या करना है फ्रेंड, डेस्कटॉप साइड इस पर आपको वन टाइम क्लिक कर देना है जैसा कि मैंने यहाँ पर सिंपली कर दिया है। अब आप सभी लोग दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, राउंड 7 चॉइस फिलिंग फॉर डायरेक्ट एडमिशन फ्रेश कैंडिडेट नॉट अपीयर्ड इन UP JEE एग्जाम। ठीक है, ऐसे कैंडिडेट कि जो जैसे BT जो JEE CUP का हुआ था भाई एंट्रेंस एग्जाम, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिए थे, वो लोग भी इसे मतलब फिल कर सकते हैं, मतलब इसमें इसे काउंसलिंग करा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको स्टेप बाय स्टेप जो देखिए यहाँ पर इसे जब आप जाओगे, देखिए यहाँ पर इसे हम मान लो चले गए तो यहाँ पर देखिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना, अपना रोल नंबर फिल कर देना है, पासवर्ड फिल कर देना, सिक्योरिटी पिन फिल कर देना, सिक्योरिटी पिन जो नीचे दिख रहा है इतना फिल करने के बाद सिंपली आपको साइन इन पर वन टाइम क्लिक कर देना है। अगर आप अपना फॉरगेट पासवर्ड भूल गए तो यहाँ फॉरगेट पासवर्ड से जो फॉरगेट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया, मतलब आपने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है, तो आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आप यहाँ से न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करके अपना काउंसलिंग करा सकते हैं। और अगर आप लोग अपना रोल नंबर ही भूल गए हैं तो आप फॉरगेट रोल नंबर पर क्लिक करके अपना रोल नंबर पा सकते हैं। दोस्तों अब यहीं से आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग काउंसलिंग कैसे करें कि आप सभी को एक अच्छा कॉलेज मिल जाए। दोस्तों आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि देखिए जिसका जैसा रैंक है आप लोग अपने रैंक के अकॉर्डिंग काउंसलिंग करेंगे। ये नहीं कि आपका रैंक 3 लाख है और आप कर दिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ, तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों आप सभी को, क्योंकि ऐसा आप लोग करोगे तो आपको पहले ही पता होना चाहिए कि आपको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग अपने रैंक के अकॉर्डिंग काउंसलिंग कीजिए। अगर आप लोगों को नंबर कम है फिर कुछ भी है तो आप लोग घबराइए मत, जैसे कीजिए, लेकिन देखिए अपने अकॉर्डिंग, मतलब कुछ कॉलेज जैसे लो कैटेगरी के होते हैं, गवर्नमेंट ही हैं, तो आप लोग वो सब कॉलेज जैसे यहाँ सेलेक्ट कर दीजिए। ऐसे आप लोग घबराइए मत, आपको एक नए कॉलेज को जरूर मिल जाएगा। लेकिन जब आप लोग एक सिस्टमेटिक तरीके से अपने रैंक के अकॉर्डिंग काउंसलिंग करोगे तब। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर सारी चीज़ अच्छे से समझ में आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों को काउंसलिंग को लेकर मन में कोई डाउट और क्वेरी रहती है, मतलब कहीं ना कहीं आप लोग अगर बहुत घबराए हो या परेशान है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपका सोल्यूशन कमेंट बॉक्स में जिसे आपका प्रत्युत्तर दिया जाएगा, प्रतिक्रिया आपको किया जाएगा अगर टाइम मिला तो। दोस्तों आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए हम मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो किसी एक अच्छे अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।